बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जेल से सत्येंद्र जैन के मसाज का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। अपनी सेल में सत्येंद्र जैन मसाज ले रहे हैं। सत्येंद्र जैन को लेकर टीवी 9 की खबर पर अब मुहर लग गई है। तिहाड़ जेल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की ऐश चल रही है। तस्वीरें आप दिल्ली के तिहाड़ जेल की देख रहे हैं, जहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन, जो कि बंद है, वहां पर कैसे मसाज का आनंद ले रहे हैं, इन तस्वीरों में देखिए। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, क्या ये जेल है? और जेल में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद जो आरोप लगाए जा रहे थे, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर पर भी मुहर लग गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा का। जितेंद्र, जो हमने कहा ये वीडियो उसी बात की तस्दीक कर रही है, और कैसे पूरी ऐश और पूरी ठाट बाट के साथ सत्येंद्र जैन जेल में रह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पिपिनी, जो वीडियो है 23 सितंबर 2022 का, और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से सत्येंद्र जैन अपनी सेल के अंदर मौजूद है और वहां पर बकायदा बेड पर लेट कर वो अपने पैरों की मसाज करा रहे हैं, फुट मसाज कराते हुए सत्येंद्र जैन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दरअसल इस बात की शिकायत जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली की कोर्ट में की थी। जो ईडी की स्पेशल कोर्ट ने साफ तौर पर ये आरोप लगाए थे कि जो जेल प्रशासन है, क्योंकि सत्येंद्र जैन खुद जेल मंत्री है और जो जेल प्रशासन है वो उनके इशारों पर रास्ता है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए जो सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार है वो 24 घंटे उनके सेल के सामने, यानी कि जेल नंबर 7 के सामने हाजिरी बचाते हैं। बाकायदा जो सत्येंद्र जैन चाहते हैं वो जेल के अंदर होता है, फुट मसाज उनकी की जाती है। उनकी पत्नी पूनम जैन जब भी चाहे उनसे मिलती है, यानी कि जो जेल के जो मैनुअल होते हैं उनको पूरे तरीके से तोड़ते हुए। इसके अलावा जो अन्य आरोपी है उनके साथ अपने जेल नंबर 7 के अंदर सत्येंद्र जैन घंटों घंटों बिटिंग करते रहते हैं। तो ये तमाम आरोप ईडी के द्वारा कोर्ट के अंदर लगाए गए थे, जिसके बाद अदालत ने इस पर संज्ञान लिया। एलजी के निर्देश में एक जांच कमेटी गठित की गई और जांच कमेटी ने जब पूरी तफ्तीश की तो उसके बाद तिहाड़ जेल के तमाम अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। जो जेल नंबर 7 कल सुपरिटेंडेंट आजीत उसको सस्पेंड किया गया और तकरीबन 58 अन्य जो जेल कर्मी थे उन सभी को भी जो ट्रांसफर है उनके कर दिए गए थे। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ये बेहद ही चौंकाने और हैरान करने वाला वीडियो है जो सामने आया है। और सवाल ये है कि ये दिल्ली की जेल है और जेल में मसाज चल रहा है, और मसाज कराने वाले और कोई नहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। साफ तौर पर वो कहते हैं कि मैं मंत्री हूं और दिल्ली में जेल मंत्री हैं वो, और उनकी मसाज चल रही है। और वो वीडियो भी आपको बिग वॉल पर दिखाएंगे और दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कैसे सब कुछ किया जा रहा है। समझने की कोशिश करिए कि सत्येंद्र जैन, जो कि जेल मंत्री हैं और गबन धोखाधड़ी समेत तमाम आरोप उन पर हैं, उस मामले में वो फिलहाल 6 महीनों से जेल में बंद हैं, और कैसे आप देखिए कि इस वीडियो में बेड पर लेटकर कुछ कागजात वो पढ़ रहे हैं और उनके पैरों की तरफ बैठकर एक शख्स उनका फुट मसाज करता हुआ नजर आ रहा है। बार बार ये आरोप उन पर लगाए जा रहे थे कि इस तरह की वो सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं जेल के अंदर और जेल को ऐशगाह बना रखा है, जिसके सबूत अब साक्ष्य के तौर पर सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट में। और इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जिस पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस की बात करती है आम आदमी पार्टी, क्या यही है वो पॉलिटिक्स? इसी तरह से उनके मंत्रियों को दिल्ली की जेलों में ऐश कराया जा रहा है, और जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों की सत्यता आप सामने आपके है। टीवी 9 भारतवर्ष का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए, जिसमें सत्येंद्र जैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैसे ऐश करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जेल मंत्री हैं और इतने आरोप लगने के बावजूद, इतने तमाम सबूत साक्ष्य होने के बावजूद अभी भी ये दिल्ली सरकार के मंत्री के तौर पर काबिजांजलि। बिल्कुल विपिन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। ये जो आपको बेड पे लेटे हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ये जो शख्स है ये है सत्येंद्र जैन, भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल में बंद है। और जेल में देखिए कैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि जेल में बंद एक कैदी को फुट मसाज मिल रहा हो? ये हो रहा है सत्येंद्र जैन के साथ। देखिए आपको इस तस्वीरों से, इस वीडियो में बहुत ही क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। एक शख्स जो कि सत्येंद्र जैन के पैर दबा रहा है, फुट मसाज उनको दे रहा है, ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनके घर में नहीं, जेल के भीतर उन्हें मिल रहा है। और देखिए वो आराम से बुक पढ़ रहे हैं, एक किताब उनके हाथ में है और उनके यहाँ पर बड़े ही आराम से देखिए
फुट मसाज हो रही है, जैसे किसी सलों में वो बैठे हो या फिर अपने घर में आराम फरमा रहे हो। जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए इतनी मुश्किलें हैं, एक के बाद एक लेटर बॉम्ब फोड़ रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर, सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रही आम आदमी पार्टी, और अब ये वीडियो जो सामने आया है सत्येंद्र जैन का, एक बार फिर से मुसीबतों का सामना आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस वीडियो के सामने आने के बाद जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के बचाते आ रही थी, लगातार जो ईडी के द्वारा तमाम आरोप लगाए गए उन पर अपनी सफाई देती आ रही थी, और वो उन तमाम सफाइयों का जो जवाब है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। खुद जेल मंत्री है और जेल के जो नियम है, जो जेल के मैनुअल है, वो तोड़ते हुए सत्येंद्र जैन साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खुद मसाज वहां पर ले रहे हैं, इसके अलावा घर का खाना वो अपने जेल सेल के अंदर खाते थे, जबकि घर का खाने के लिए बकायदा कोर्ट से परमिशन दी जाती है। लेकिन ईडी ने अपनी शिकायत में साफ तौर पर बोला था कि रेगुलर बेसिस पर सत्येंद्र जैन के लिए तिहाड़ जेल के अंदर उनके घर का बना खाना आता है, जिसको खाते हैं। तो ऐसे तमाम आरोप सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सभी को एक साजिश बताया था। लेकिन अब ये जो तस्वीरें सामने सीधे तौर पर, बिल्कुल सवाल जितेंद्र यही है कि अब तक जो भी आरोप चाहे बीजेपी के द्वारा चाहे उनके प्रतिद्वंदियों के द्वारा उन पर लगाए गए हैं, हर आरोपों को आम आदमी पार्टी नकारती रही है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब दलील क्या देगी? सबसे बड़ा सवाल यह है, इस वीडियो को आम आदमी पार्टी कैसे झुटलाएगी, जिसमें एक तरफ वो पूरे शरीर का बॉडी मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं, फुट मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी जब चाहे तब बेरोक टोक तिहाड़ जेल के अंदर आ सकती है, जा सकती है, घर का खाने का आनंद ले रहे हैं, और इन तस्वीरों के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी की दलील क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। जितेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल विपिन, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, और अपने कुछ देर बाद जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी इस तरफ ना पूरा रिएक्शन ही देगी, और ये सिर्फ देखिए विपिन, सिर्फ ये 28 सेकंड का फुटेज अभी तक आया है, जबकि ईडी ने बकायदा एक पेन ड्राइव में तकरीबन 4 से 5 दिन का पूरा डिटेल दिया है, तो उसमें सब कुछ है कि किस तरीके से अपने सेल के अंदर बैठकर वो घंटों घंटों इसी केस से जुड़े तमाम आरोपियों के साथ मीटिंग करते हैं, उनकी पत्नी की उसमें तस्वीरें हैं, कब वो आती है, देर रात तक वहां जाती है, निकलकर उनसे बातचीत करती रहती है। तो इस तरीके के तमाम जो भी ईडी ने बोला था, जो आरोप ईडी ने अपनी शिकायत में लगाए हैं, ईडी का कहना था कि उसके सपोर्टिंग जो भी सबूत है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर अन्य तस्वीरें हो, वो सब कुछ ईडी ने अदालत में दी थी, तो उसके बाद जो तिहाड़ जेल कर्मी है उनके खिलाफ ही एक्शन लिया गया। जितेंद्र, जेल मंत्री जब जेल मैनुअल का उल्लंघन करे तो फिर आखिर सवाल किससे पूछा जाए? जुड़े रहिएगा जितेंद्र हमारे साथ। एक बार फिर से जरा ये जो बिग वॉल पर दो तस्वीरें आ रही हैं उसको जरा फिर से जरा गौर से देखिए, और डिस्क्राइब मैं आपके लिए कर देती हूँ। ये जो है समझ में आ रहा होगा आपको, सीसीटीवी फुटेज है, और इसमें जेल में फुट मसाज कौन करवा रहा है आप जानना चाहेंगे नाम? ये जो व्यक्ति है जो बेड पर लेटे हुए हैं, इनका नाम है सत्येंद्र जैन, और ये आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, जेल मंत्री भी हैं ये दिल्ली में, जी हाँ जेल मंत्री हैं, और इन्हें नहीं पता है कि जेल में जो कैदी बंद होते हैं उनके लिए जो नियम है उसमें कम से कम फुट मसाज तो इंक्लूड नहीं होता है, उसमें शामिल नहीं होता है। जेल मंत्री जब जेल मैनुअल का उल्लंघन करे तो फिर आप किससे सवाल करें? फुट मसाज लेते हुए सत्येंद्र जैन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और अब ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर है, वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें लेकर के सामने आ सकती है। अब देखिए दूसरी तस्वीर के तरफ भी जरा गौर करिए विपिन, जरा इन तस्वीरों के बारे में आप बताइए। बिल्कुल अंजलि, और सिर्फ फुट मसाज नहीं बल्कि हेड मसाज का भी आनंद लेते हुए दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें 14 सितंबर 2022 की है, जहां जेल के अंदर कैसे वो देखिए जिंदगी का सुख भोगते हुए नजर आ रहे हैं। एक शख्स कुर्सी पर बैठाकर उन्हें हेड मसाज देता हुआ नजर आ रहा है, और जेल मंत्री जेल के अंदर किस तरह से अय्याशी करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजिंदर बग्गा जो कि बीजेपी के नेता हैं दिल्ली के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, बीजेपी जो लगातार आरोप लगाती रही है, उन आरोपों के प्रमाण के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, और अब कम से कम आप लोगों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए थे उसको तो बेशक भी आम आदमी पार्टी झुटलाती रही है, नकारती रही है, लेकिन इन तस्वीरों को कैसे वो झुटलाएगी, कैसे नकारेगी? देखिए सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था मैं इस देश की राजनीति को बदलना चाहता हूं, उन्होंने आज इस देश की राजनीति को बदल दिया है। जिन्होंने वादा किया था आज उन्होंने एक और वादा पूरा कर दिया। उन्होंने कहा था
कि मैं इस देश की राजनीति को बदलना चाहता हूं। इस देश के इतिहास के 70 साल के अंदर कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक जेल के अंदर बंद अपराधी को, एक जेल के अंदर बंद नेता को इस प्रकार से एक सरकार मसाज दिलवा रही हो। आज उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर मेरे किसी मंत्री के ऊपर अगर FIR भी होती है तो मैं उसको बर्खास्त कर दूंगा। इस देश ने पहली बार देखा कि 3 महीने एक नेता, एक मंत्री जेल के अंदर है और उसको बर्खास्त नहीं किया गया। वो जेल के अंदर से सरकार को चला रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सच में इस देश की राजनीति को बदल दिया है। लेकिन तेजिंदर बग्गा जी, जरा आप ये बताइए, कल भी आप लोगों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक वीडियो जारी किया, लगातार आप शिक्षा घोटाला, शराब घोटाले से जुड़े तथ्य सामने रख के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया उन सारे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। आप जरा ये जो नया वीडियो तिहाड़ जेल के अंदर से सामने आया है, जेल मंत्री है सत्येंद्र जैन और उन्हें ही नहीं पता है कि जेल मैनुअल क्या होता है, फुट मसाज, हेड मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं, केजरीवाल के पास क्या जवाब होगा? आपको लगता है कि उनको पता नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल से की मर्जी के बगैर ऐसा चल सकता है? अरविंद, तिहाड़ जेल के जो DG हैं, तिहाड़ जेल किसको रिपोर्टिंग करती है? तिहाड़ जेल किसके अंडर आती है? दिल्ली सरकार के अंडर आती है। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार को रिपोर्टिंग करती है। CM की मर्जी के बगैर तिहाड़ जेल जैसे सेंसिटिव जेल में पत्ता नहीं हिल सकता, जहां पे बड़े बड़े आतंकवादी बंद हो, जहां बड़े बड़े अपराधी बंद हो। CM की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। सही बात है तेजिंदर बग्गा जी, मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप इंतजार कर सकते हैं फोन लाइन पे तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिखाना, लगातार इसको लेकर के चर्चा हो रही है और अब एक नया बवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो सकता है इस वीडियो को लेकर, बीजेपी बड़ा मुद्दा इसे बना सकती है। देखिए एक बार फिर से, ये जो मेरे पीछे बिग वॉल है इस पर एक बार फिर से मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ और इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनका नाम है सत्येंद्र जैन, आप सब क्लियर देख रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता, सिर्फ इतना ही नहीं जेल मंत्री भी हैं दिल्ली में, और ये जेल के अंदर का वीडियो सामने आया है जहाँ पर इन्हें VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये अपने घर या सलोन में नहीं है, जेल के भीतर है और हेड मसाज ले रहे हैं। आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा, हेड मसाज लेते हुए सत्येंद्र जैन, इससे पहले भी आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन को जेल के भीतर VVIP ट्रीटमेंट मिलती है, घर का खाना उन्हें मिलता है और ऐसे और उनके साथ जो है वो 2-3 लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं उनकी सेवा सत्कार में। देखिए दूसरा ये जो वीडियो है इसमें सत्येंद्र जैन बेड पे लेटे हुए हैं, इनके हाथ में एक किताब है, किताब पढ़ रहे हैं वो, और यहाँ पर जो एक शख्स है वो उन्हें फुट मसाज दे रहा है, उनके पैर दबा रहा है। जेल में पैरों पर मसाज होता है, जेल में हेड मसाज होता है। विपिन, एक और तस्वीर है आपके पास, विपिन जरा उसे। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, और सिर्फ हेड मसाज, फुट मसाज नहीं बल्कि बॉडी मसाज का भी पूरा इंतजाम जेल के अंदर उनके लिए रखा गया है, क्योंकि वो जेल मंत्री हैं दिल्ली के। पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए ये वीडियो इतना बड़ा मुसीबत का सबब बनेगा जिसका जवाब और जिसके लेकर सफाई भी देना उनके लिए मुश्किल होगा। और आप देखिए कि कैसे आराम से वो अपने बेड पर लेटे हुए हैं, एक शख्स उनके शरीर का मसाज कर रहा है, और सवाल ये भी उठता है इस वीडियो को देखकर कि आखिरकार जेल के अंदर क्या हर कैदी को ऐसी सुविधा मिलती है, और जेल के अंदर जेल मंत्री को इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, और जब जब आरोप लगाया जाता है तब तब आम आदमी पार्टी इन आरोपों को खारिज करती है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सफाई में आम आदमी पार्टी क्या कहेगी, सवाल यह है। तेजिंदर बग्गा लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। तेजिंदर जी, क्या तिहाड़ इसी तरह की ऐशगाह है, और आप समझिए कि अगर जेल मंत्री को इस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है तो पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है। सिर्फ सवाल तिहाड़ जेल पर नहीं है, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, तभी एक मंत्री को जेल के अंदर इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए ये तो जेल में कर सत्येंद्र जैन, तो सत्येंद्र जैन की मर्जी से थोड़ी हो रहा है, ये उसकी मर्जी से हो रहा है, इनको तिहाड़ जेल रिपोर्ट करती है। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल के कैसे कैसे राज। बिल्कुल तेजिंदर जी, आप सही कह रहे हैं, और ये पूरे सिस्टम पर सवाल है, और इसी मसले पर बीजेपी के नेता का बयान आया है, क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। तिहाड़ जेल के भीतर सत्येंद्र जैन को मिल रही थी सजा, या केजरीवाल जी के बदौलत मिल रही थी मजा? जिस केजरीवाल जी ने सत्येंद्र जैन को मंत्री बनाए रखा है, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर, जबकि 5 महीने से सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली है, बार बार बेल रिजेक्ट की गई है, आज दिखाई दे रहा है कि क्यों उनको मंत्री बनाए रखा, ताकि उनको VVIP सुविधा मिल सके, वो अपना मसाज करा सके,
वो वहां पर आलीशान तरीके से एक वीवीआईपी की तरह रह सके, हेड मसाज, फुट मसाज करवा सके, मानो कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने मसाज पार्लर खोल रखा हो।